पंजाब दे विच करोना जिहड़ा अपने पैर पसारदा होया लगातार नज़र आ रहा। बीते दिन करोना दे रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए ने। सूबे दे विच रिकॉर्ड तोड़ 2137 नवे मामले 24 घंटे दे विच दर्ज किए गए ने। करोना करके 71 लोगों नूं अपनी जान भी गवाउणी पई है। पटियाला दा जिस तरह जिक्र किया, पटियाला दे विच जिहड़े मामले ने उह लगातार वध रहे ने, तां पटियाला तों साडे सहयोगी अविनाश कंबोज भी साडे नाल बने हुए ने। किन्ने मामले जिहड़े बीते दिन दर्ज किए गए पटियाला दे विच और की स्थिति है उन्हां तों जाणांगे। अविनाश, पटियाला की गल करिए तां बीते दिन किन्ने नवे मामले जिहड़े आ उह सामने आए ने करोना दे, और किन्नियां जानां गईआं और की स्थिति है पटियाला दी सारी करोना नूं लै के हुण तक दी? जी जितेंद्र, गल करिए तां जिहड़े पॉजिटिव केस आए 183 आए, जिन्हां च शाही शहर पटियाला दे 114 ने, 9 नाभा ने, 3 समाणा दे, 25 राजपुरा दे, 32 अलग अलग पिंडां दे ने। जी जतिंदर, गल करिए 8 मौतां भी है, मौतां दा आंकड़ा 209 ते पहुंच चुकिया। हुण एक्टिव केसां दी गिनती जिहड़ा 1348 हो गई, जिहड़े ठीक होने वाले उन्हां दी भी जिहड़ी गिनती है वधदी नजर आ रही है, लेकिन पॉजिटिव केसां दा जिहड़ा आंकड़ा दिन प्रति दिन वधदा ही जा रहा। जी जतिंदर, किस तरह की स्थिति हुण तक दी वेखदे हो पटियाला दे विच? की लगता है कि खड़ोत जिहड़ी आ उह आएगी करोना दे मामलियां नूं देखदिआं होइआं प्रशासन दे वल्लों कुछ नवे कदम जिहड़े चुके जा रहे ने? जी जिंदर, गल करिए प्रशासन के वालों जोड़े कदम चके जा रहे हैं। टैसटिंग का दौर जोड़ा गली गली महल महल होना शुरू हो चुका, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लोग भी लेकिन अवेयर हो रहे हैं, कुछ घट लोग है जोड़े टैसट नहीं करवा रहे, जिसके बावजूद भी जो गल करिए लोगों से अवेयरनैस भी देखने को मिल रही है। विदाउट मास्क भी लोग हम सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी जिंदर जी, अविनाश, तमाम गलबात के लिए जानकारी दे बहुत बहुत धन्यवाद। मामले लगातार सूबे के वधदे हुए नज़र आ रहे ने, तो लगातार जिहड़ा आंकड़ा है वो वख वख थावां दे उत्ते वध रहा। साडे सहयोगी पठानकोट तो गुरप्रीत भी साडे नाल बने हुए ने। गुरप्रीत, पठानकोट दे विच हुण तक दी करोना दी की स्थिति है? किन्ने मामले बीते दिन सामने आए ने और कुल किन्ने मामले हुण तक सामने आ चुके? जे असीं गल करिए पिछले 100 दिन नूं लै के, ते 100 दिन दे विच जिहड़े काफ़ी जिहड़े मामले लगातार जिहड़े वधे है जी, पहले 28 केस जिहड़े सीगे, असी 31 मई की गल करिए 28 केस सीगे पठानकोट के जिहड़े एक्टिव सीगे, उह 2 जिहड़ियां मौतां करोना दे चलदे होईआं सी। लगातार 100 दिन हो गया बीत गए हैगे ने और मामले जिहड़े काफ़ी जिहड़े वधे हैगे ने। इसलिए इत्थे 1779 केस जिहड़े आ उह टोटल जिहड़े पठानकोट दे विच जिहड़े हैगे ने, काफ़ी मामले जिहड़े वधे हैगे, मौतां भी जिहड़ियां 30 हो गईआं, 28 मौतां भी जिहड़ियां असीं कह सकदे कि करोना दे चलदे जिहड़ियां उह वधियां हैगियां। लगातार करोना जिहड़ा उह फैल रहा हैगा। पहले जिहड़े इहनां दी जिहड़ी आ सैंपलिंग जिहड़ी आ उह घट हो रही सी, हो सकदा उस दे चलदे जिहड़े आ करोना भी जिहड़ी आ इहदा जिहड़े रिजल्ट जिहड़े सामने जिहड़े घट आ रहे सी। हुण लगातार लोक भी जिहड़े जागरूक हो गए ने, प्रशासन वालों इन्हां नूं जागरूक किया जा रहा, अगर किसी नूं खांसी है, कोई शरीर टुटदा है, बुखार हैगा, तो उह बिल्कुल करोना दा जिहड़ा उह टैसट कराउण, और ये टैसट भी जिहड़े आ उह फ्री किए जा रहे ने पठानकोट के सिविल होस्पिटल दे विच। और लोग भी जिहड़े आ उह जागरूक ने, लोगों नूं भी जिसले ये चीज़ां महसूस होंदियां कि हो सकदा सानूं करोना होए, जरूरी नहीं कि टैसट विच करोना आना ही हुंदा, लेकिन टैसट जिहड़ा उह जरूरी हुंदा तां कि यह साफ हो सके कि करोना उसनूं है या नहीं है। जिहदे चलदे लोग जिहड़े आ टैसटिंग की जिहड़ी असीं कहिंदे आ वी गिनती जिहड़ी आ उह भी लगातार जिहड़ी आ वध रही है। करोना दे जिहड़े लगातार जिहड़े टैसटिंग दे विच जिहड़े रिजल्ट आ रहे ने उह भी जिहड़े वध रहे हैगे, लेकिन पठानकोट दे विच पिछले 2 दिनां तों रिजल्ट जिहड़े काफ़ी जिहड़े नीचे स्तर दे असीं कह सकदे आ, जिस तरह कल 24 दे करीब सी और अज जिहड़े आ उह 18 दे करीब हैगे ने, और 11 लोग जिहड़े उह ठीक हो के भी जिहड़े आ उह चले गए ने। जागरूक होण दे नाल इह है कि लोगों की टैसटिंग भी हो रही है, रिजल्ट भी पठानकोट घट रहे हैं, लोग जागृत ने, बाजारों भी हुण निकलते हैगे ने, जिस तरह संख्या घट रही हैगी करोना की, लोग भी जिहड़े आ जिस तरह सोशल डिस्टेंस असीं कह सकते हैं इन्हों का भी जिहड़ा बचाव करते पे ने, सोशल डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, मास्क भी लगा के जिहड़ा रख रहे हैं, जिहड़ी आ इह संख्या जिहड़ी आ पठानकोट दे विच घटदी जिहड़ी आ उह नज़र आ रही है। जेकर आम लोगों की गल करिए, कि जिस तरह टैसट सरकार दे वल्लों फ्री किए हुए ने सरकारी हस्पतालों के विच या फिर होर जिस तरह सहूलतां ने, कि वह सारिया सहूलतों के बारे दे विच लोग जानते हैं या कई लोग हाले भी नहीं जानते कि टैसट जिहड़े आ उह फ्री किए जा रहे हैं सरकार दे वल्लों, या जो होर सहूलतां दित्तियां जा रही ने सरकार दे रही है हस्पतालों के विच?
जिंदे नाल पहली गल तो जी सेहत विभाग वालों पिंडा पिंडा मोहल्लिया जीम जड़िया लोगों जागृत करने वाले बिल्कुल लगातार जड़िया वो भेजिया जा रही है पिंडा च भी सैंपलिंग जारी की जा रही है मोहल्लिया च भी की जा रही है लोगों को जागृत किया जा रहा लेकिन फिर भी कई तक जी ये जी अप्रोच जी नहीं हो सकती जिसके चलते वो लोग जोड़े आ इस दे विच कोरोना बारे जानकारी पूरी तरह नहीं रख रहे कि इसकी सैंपलिंग जी फ्री हो रही है होस्पिटल से फ्री हो रही है या नहीं हो रही लेकिन आम लोग असं कह सकते कि उन्होंने पता है जागृत हो चुके हैं पठानकोट के सिविल होस्पिटल असं कही या जिहड़ियां टीम पिंड जाके जो सैंपलिंग करते हैं बिल्कुल लोग भी जोड़े सैंपलिंग करवाते हैं जिस तरह पहले लोग डर जाते थे कि मैनू कोरोना ना हो जाए या मैं कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए पहले लोग डर जाते थे इस कोरोना की टेस्ट टेस्ट जो करवाना होंगे सी उस तो जरा लोग जोड़े भजते थे लेकिन जागृत जिस तरह सेहत विभाग वालों की गई है प्रशासन वालों जो लोगों जागृत किया गया है उसके चलते ये जी सैंपलिंग की जी रफ्तार जी तेज कर दी हैगी है लेकिन पठानकोट के कल की गल करिए परसों की गल करिए जी रिजल्ट है जोड़े सैंपलिंग के जोड़े वो बड़े ही स्लो नज़र आए बड़े घट नज़र आए हैं बिल्कुल अगर इस तरह ही अगर चलता रहा लोगों का सहयोग मिलता रहा और प्रशासन भी जिस तरह कार्रवाई करता पाया है सैंपलिंग करता पाया है तो रिजल्ट घट जा रहे हैं और असी जी कोरोना हैगी है इनू बिल्कुल असी मात दे सकांगे जी जी गुरप्रीत कदे इस तरह भी लगता है कि जे कोई व्यक्ति जिस तरह कोरोना तो पीड़ित आया सी और लक्षण जी उस दे विच वो भी पाए गए और ज़्यादातर जो अफेक्ट होया सी इस दे नाल उसका शरीर कई तरह जिस तरह कमजोरी आ जाती है होर प्रभाव पैंदे ने तां वो लोग भी आके जिहड़े आम लोगों नूं जागरूक करते हैं उन्होंने दसते हैं इस बारे दे विच या फिर नहीं जानकारी दी जाती कि किस तरह के लक्षण आते हैं शरीर पर किस तरह का प्रभाव पैंदा इस चीज़ का क्योंकि लोग जो एक दूसरे की गल सुनते हैं तो ज़्यादा प्रभाव पैंदा है एक दूसरे पर बिल्कुल जिस तरह पिछे असं कह सकते हैं कि पठानकोट के काफ़ी लोग जो ठीक होकर जो आए थे कोरोना के चलते चिंतपुर्नी मैडिकल कॉलेज इतने हैगा उतो ठीक हो गया से और लोगों के एक असं कह रहे जो चर्चा करते उन्होंने दसते भी सके भी असी भी जरा टेस्ट करवाया से सू कोरोना पॉजिटिव से साड़ी रिपोर्ट आई थी और कुछ लोग जो घर ही क्वारंटाइन हुए थे और उन्होंने जो चिंतपुरनी मैडिकल कॉलेज है उतों भी जोड़े ठीक हो के आए थे लोगों के बिल्कुल वह भी जरा एक अपना प्रभाव छड़ते हैं लोगों को जागरूक करते है बिल्कुल तुम भी टेस्ट करा करो तुम ये प्रॉब्लम है शरीर टुटता पजता थोड़ा है सिर दर्द है खांसी हैगी है जो इस तरह कोई प्रॉब्लम आती है तुम टेस्ट कराओ कोई तुम्हें कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आनी हैगी कोई कोई ये जानलेवा बीमारी नहीं हैगी भी तुम कोई भी इस कोई भी तुम्हें नुकसान हो सकता जिसके चलते लोग बिल्कुल जागृत हो रहे हैं इस तो और टेस्टिंग पावर भी जी इसलिए पठानकोट के काफ़ी ज़्यादा हैगी है जी चंद्र गुरप्रीत प्लाज्मा लैके भी कोई अगे आता जो आम लोग है जो कोरोना तो ठीक होकर आया मात दे के परत्या तो कि प्लाज्मा डोनेट करने भी लैके कोई कहता कि मैं हाँ मेरे वालों किया जाएगा या फिर हामी भरी जाती है इसकी जी बिल्कुल काफ़ी लोग है पिछे जे पठानकोट के एस एच ओ है जी पठानकोट नंबर एक थाना के वह भी जे कोरोना के चलते ठीक हो गया से उन्होंने भी प्लाज्मा जरा डोनेट किया इस तरह कई होर भी लोग ने बिल्कुल जी इन की जी नाम वगैरह जरा वैसे गुप्त रखा जा रहा है जो कोई प्लाज्मा भी जो दे रहे हैं जो हूँ जिस तरह सरकार ने भी पॉलिसी की है कि जिन्होंने कोई कोरोना हैगा उन्होंने जोड़े गुप्त रखे जा रहे जिस तरह की पहले ओपन हो गए सारे दे नाम लिते जाते थे ये चीज़ा जी हूँ खत्म कर दी गई है ताकि लोगों के भी एक उत्साह जी वधे और अपनी जी टेस्ट करवा सकन जी चंद्र जी गुरप्रीत तमाम जानकारी डैश की कैब्स पे ऑटोज पे 50% ऑफ है और आप मॉल नहीं जा रहे जस्ट गो डैश करो ऐश करो